अभी आप रुक का डीजल एडिटिव डाला है जिससे इंजेक्टर क्लीन होगा, और अभी आप गाड़ी की आवाज़ इंजन का साउंड सुन सकते हो कैसे हो गए। जस्ट अभी अभी डाला है तो इस पे इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, तो मैं ये गाड़ी के अंदर से वीडियो ले रहा हूँ, तो आगे भी देखते हैं कि इससे इसका आवाज़ कैसे आता है। अभी देखो ये गाड़ी का आवाज़ ऐसे आ रहा है, मैं बोनेट भी खोल के देखता हूँ, तो मतलब जब 200-300 किलोमीटर होगा तो हम देख सकेंगे कि एडिटिव के इम्पैक्ट हुआ या नहीं। एक मिनट, ये देखो अभी गाड़ी का आवाज़ ऐसे आ रहा है, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट 200 किलोमीटर के बाद। तो दोस्तों लगभग 300 किलोमीटर हो चुका है, एंड एक बार देखते हैं कि अभी गाड़ी का आवाज़ कैसा है। तीन सौ किलोमीटर के बाद आवाज़ ऐसा है, एंड वी विल गो आउट एंड उसके बाद देखते हैं कि इंजन का वॉइस कितना है, नॉइस कितना है। टेस्ट करने से पहले गाड़ी आई थिंक 3-4 दिन बंद थी, तो फिर से मैं एक बार टेस्ट करूँगा जब मैं कार कम से कम आधा एक घंटा चलाऊँगा तब। तो आपको क्या लगता है, आवाज़ कम हुआ या नहीं, आप कमेंट में बता सकते हो। और एक और मैं टेस्ट लूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि एक्चुअल में कम हुआ है या नहीं। तो मैंने फुल टैंक किया था, अभी मैंने रिफ़िल किया है, एंड टोटल किलोमीटर्स हुए हैं अबाउट 804। तो मैं गाड़ी चालू करके देखता हूँ कि टोटल एक्सपीरियंस कैसा है। लेट मी स्टार्ट द इंजन। कुछ सेकंड्स के लिए आप इंजन का आवाज़ सुनो, फिर मैं बाहर जाके दिखाता हूँ। एज कम्पेयर टू बिफोर, अभी वॉइस इतना शार्प नहीं है, वो अभी स्मूथ हो गया है मेरे हिसाब से। मैं बाहर जाके बोनेट खोल के आपको वॉइस दिखाता हूँ। ये देखो आपका जो भी फीडबैक है कमेंट में दे देना कि आपको क्या लगता है कि इंजन का आवाज़ कम हुआ या नहीं, या क्या डिफरेंस आपको लगता है। थैंक यू।